Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are doing a special drama cup, which is about Ramzan dramas. So we are going to call it Drama Cup, Ramzan Drama Special. बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया शाजिया. ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ये रमजान ड्रामा में भी तो ड्रामा चल रहा है। इतना ड्रामा चल रहा है कि वो ओटीटी लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है, तो फिर हम भी थोड़ा सा उसमें ड्रामे दो दफा डाल सकते हैं। पहला इंप्रेशन आपका सारे ड्रामा देखने के बाद, अगर मैं पूछूं तो? कैन आई एम आई अलाउड टू रेट देम? नो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रेट, आई एम जस्ट आई आस्किंग रेट नो, यू बट आई एम नॉट आस्किंग यू यू आस्क मी रीवा। कैन आई रेट देम, यू आस्क मी कैन आई रेट देम, तो मैं आपको जवाब दे हाँ, रही सो व्हाई एम आई नॉट अलाउड टू रेट हूँ. तो देम? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि पहला इंप्रेशन ओवरऑल ड्रामास देख के, जैसे मैं बोलूंगी डिसअपॉइंटेड, और एक मेरे दो रिएक्शन, एक डिसअपॉइंटेड एंड दूसरा मुझे जो अच्छी लगी है वो ये सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स. ओके, ठीक है। सो मेरा डिसअपॉइंटेड नहीं था, बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थे। लेकिन यू कैन से दैट आई वाज डिसअपॉइंटेड दैट सम ऑफ देम मेट माय एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच। दैट वाज वेरी अ वेरी स्मार्ट रिप्लाई एक्चुअली। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एक ड्रामा उसमें से ऐसा निकला है जो मुझे अच्छा लग रहा है, एंड इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि वो ड्रामा मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग द अदर्स टू बी मच अहेड। तो ये है तो कहानी। पहले हम दो तीन पॉजिटिव बात कर लेते हैं ओवरऑल ड्रामास की, आई फील, एंड देन वी गो इंडिविजुअली. जैसे मुझे शाजिया इस बार ये अच्छा लगा कि पिछले कुछ सालों में अगर हम ड्रामों को देखें तो दे वर फोकस्ड ऑन फैमिलीज एंड फैमिली से रिलेटेड इश्यूज से ही, लेकिन इस बार मुझे लगा कि एक्सपेरिमेंट किया है ड्रामों में. तो अगर आप चार ड्रामे देखें तो चारों ड्रामों के बड़े क्लियर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है. फेरी टेल का जैसे अगर आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो गेम शो की बात करें, जो मुझे लगा इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू सी. ठीक है, चांद तारा में दे, तो वील टॉक इंडिविजुअली, बट मुझे एक ये बात अच्छी लगी कि क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग. हियर द हीरो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट लोकल इलेक्शन, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी. सो ये एक अच्छी बात है कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वी आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड वी आर इवॉल्विंग. एग्जीक्यूशन इज अ डिफरेंट टॉपिक. मुझे ये बात अच्छी लगी. सेकेंड मुझे ये लगी कि चारों ड्रामों में अगर आप देखें तो औरतों का एक पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग इमेज औरतों का दिखाया है. और बहुत जगह पे एटलीस्ट तीन ड्रामों में दे आर डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन, दे आर नॉट, दे डोंट नीड अ मैन टू डू थिंग्स विद देम. उनको बहुत अच्छे तरीके से यू नो दे आर मूविंग अराउंड ऑन देयर ओन, दे आर गोइंग अबाउट देयर लाइव्स ऑन देयर ओन. तो मुझे ये जो पोर्ट्रेल है ये भी बहुत अच्छी लग रही है रमजान ड्रामों में. थर्ड चीज मुझे ये लगी है कि शुक्र है कि इस बार हमें बहुत से नए फेसेस नजर आ रहे हैं ड्रामों में, और कुछ फेसेस जो हमने बहुत अरसे से नहीं देखे थे वो हमें नजर आ रहे हैं. तो एक स्क्रीन पे आपको एक फ्रेशन अप, लाइक यू नो, एक अच्छा आपको एहसास होता है जब आप देख रहे होते हैं. तो ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट है. So I feel, Rabia, that what the channels have tried to do, both the channels, हम TV and Jio, is कि उन्होंने जो दो दो ड्रामे रखे, उन्होंने एक उसको टारगेट किया है टुवर्ड्स द यूथ, और एक टारगेट किया है फॉर, एंड यू कैन सी द कास्टिंग इज ऑल्सो द सेम। इश्यूज भी उनके उसी तरह के हैं। जहां इलेक्शंस का इश्यू है तो फिर वो जरा मेच्योर कास्ट के लिए है, और जहां उन्होंने दूसरा वाला कौन सा है, तेरे आने से, वो उन्होंने ज्यादा यंग लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए रखा है, एंड द इश्यूज दैट दे आर डीलिंग विद इन देयर लाइफ। इन द सेम वे फेरी टेल में इट्स नॉट जस्ट द गेम शो, इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक पीपल। आजकल यंग लोगों को चाहिए हर चीज, और उनको मिल भी जाती है। वो काम भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। उनको वो भी जो बात कर रही होती है, ये कह रही थी कि मैं अपना बिजनेस खोलूंगी, चाय वाला खोलूंगी या कुछ करूंगी उसके साथ। एंड जो दूसरा वाला है चांद तारा, अगेन दोज इश्यूज आर डिफरेंट एंड दे आर मोर मच्योर। सो इन दैट सेंस आई लव That's coming in. It is the execution in some of them that I have a major problem with, and the humor. जब भी हम कॉमेडी पे आते हैं ना, कॉमेडी इज अ जॉनर दैट कैन वर्क रियली वेल, लेकिन इट कैन गो द रॉन्ग वे अगर आप उसको नहीं सही तरह लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और आप डर के मारे अगर आप ओटीटी चले जाएंगे ना, तो फिर वो इतनी स्लैपस्टिक हो जाती है और इतनी लाउड हो जाती है कि यू जस्ट थिंक ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे, और ये हम क्यों देख रहे हैं, विच इज वॉट हैज हैपन विद समथिंग अनफॉर्चुनेटली।
नहीं, आई थिंक कॉमेडी जो है ना, आपको चैनल्स को डिसाइड करना होगा कि किस तरह इवॉल्व हो रही है ऑडियंस भी, और वो किस तरीके से चीज को ले रही है, क्योंकि व्यूज चारों ड्रामों पे उस तरीके से नहीं आ रहे जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं. तो दैट, तो हम तो कुछ ना भी बोले तो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि समथिंग needs to be, you know, changed or done in a different way. Also, कुछ मुझे लग रहा है कि दोनों जो चैनल्स हैं या दोनों डिफरेंट टाइप के जो दो ड्रामाज हैं, दो इधर से आ रहे हैं, वो ही फ्लेवर हमें दे रहे हैं जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है. सो आई फील इट्स टाइम टू चेंज दैट फ्लेवर, इट्स टाइम टू डू थिंग्स डिफरेंटली, मे बी देन थिंग्स विल हैपन. सुनो चंदा से स्टार्ट किया था, बट सुनो चंदा वॉज द फर्स्ट वन एंड only one that was happening at that time, so it had a and nothing to take away from it, so it was a massive hit. Lekin hum usi formula ko leke thoda sa change karke usko har jagah apply nahi kar sakte hain. To ye hai. So hum should we start on individual dramas now, unless you yes, have to let's start. Aapko pehle kaun sa drama karna hai Shazia? You always say save the best for last, right? Theek hai, to phir hum tere aane se shuru karte hain. आपने मुझसे कहा था मैं रेटिंग नहीं करूं, तो मैंने रेटिंग नहीं करी है. आपने पूछा, मैंने कहा यहाँ से शुरू कर दे. आई एक्चुअली लाइक तेरे आने से, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, एंड मुझे कोमल मीर जो है एक डिफरेंट यू नो कैरेक्टर में नजर आ रही है. मैंने उनको इससे पहले नहीं देखा है, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कैरेक्टर इज दैट शी इज ऑनेस्ट, शी इज नॉट स्केयर टू से एनीथिंग. एंड सबसे फैसिनेटिंग मुझे बात ये लगती है कि वो बेधड़क होके जो सॉल्यूशंस निकालती है ना, ब्रा ब्रा ब्रा, एंड वो सॉल्यूशंस हैं जो हम शायद दिल में सोच रहे होते हैं. जैसे वो जब सास और अपने बेटे, औरत जो होती है अपने बेटे और बहू को लेकर आती है, तो वो कहती है कि इनके शौहर की शादी करा दो. फिर जब वो अपनी बेटी को लेकर आती है तो कहती है यहाँ क्यों रो रही हो, अपनी नंद के घर जाके रो. देन आई वाज लाइक यार ये बड़े, हम शायद प्रैक्टिकली तो नहीं करें ये चीजें, बट दीज आर द यू नो थिंग्स दैट यू फील लाइक डूइंग टू, कि लोगों को उनकी असल शक्ल दिखाने का, कि आप दूसरों के साथ करें, अब आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगे. तो मुझे ये बड़ी उसके कैरेक्टर के बारे में ना I totally agree. I think that for this particular drama, Komal Meer का जो character लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा हुआ है. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो overdo हुआ है, and they have maybe asked her to do it like that. थोड़ा सा उसको मध्यम रखते हैं, लेकिन उसके डायलॉग्स बहुत मजे के. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैंने उसकी पहली किस्त और अभी सिक्स किस्त देखी है, बीच के मैंने मिस कर दिए थे बिकॉज दे वर टू मेनी ड्रामास. राबिया, मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि पहली किस्त मुझे अच्छी लगी और फिर आखिरी किस्त में मुझे वो फ्लेवर मेंटेन नहीं हुआ जो पहली किस्त में था. मुझे काफी वो ट्रांजिशन लगा. मे बी इट्स माई फॉल्ट, मैंने सेकेंड थर्ड फोर्थ किस्त नहीं देखी है, लेकिन जिस टेम्पो से उन्होंने कोमल का कैरेक्टर उठाया था वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैठ गया है. आई कुड बी रॉन्ग, मे बी इसको मैं पिकअप कर रही हूँ. क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द वे वो जो लड़का है माहिर, द वे ही इज बिहेविंग विथ हर, एंड जिस तरह उसने रिएक्ट किया, वो मुझे तो लग रहा था शी शुड हैव टर्न्ड अराउंड एंड सेड समथिंग टू हिम राइट देयर, लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि वो औरों के लिए तो इतना लड़ती है लेकिन अपने लिए वो नहीं कह सकी उस टाइम पे. उसने अपने दोस्तों के सामने काफी उसकी बेइज्जती करी. एंड कोमल कैरेक्टर, व्हाट इज हर नेम, रानिया, इज नॉट द टाइप टू सिट बैक एंड लिसन. तो मुझे थोड़ा सा वहां फील हुआ. ओके, सो तुम्हारा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, बट मुझे लगा है कि एक जर्नी दिखाया है माहिर और रानिया का जो तुमने बीच में मिस किया है, तो उनकी केमिस्ट्री, उनका इंटरेक्शन डिफरेंट है. और अब जो तुम बोल रही हो तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन एक्चुअली उसने शुरू में माहिर को बहुत सुनाई हुई है, जो तुमने छोड़ मतलब उसने माहिर के साथ बहुत सुथरी भी की हुई है बीच में. जैसे एक सीन था, वो बस पे एक ही सीट थी और वो बस दोनों साथ खड़े होते हैं और वो माहिर कहता है मैं ज्यादा पैसे दूंगा, और वो अंदर जा रहा होता है तो वो कहती है मैं भी इसके साथ हूँ, और खुद घुस के अंदर चली जाती है और अंदर जाके खुद बैठ जाती है और माहिर को जगह भी नहीं देती. और वो कहता है कि मैं आया था, कहती है चलो चलो, यू नो वो बहुत उसके साथ उस तरह करती है. टैक्सी में बैठती है और वो टैक्सी वाले से बात कर रहा होता है, ऊपर रखती है, दरवाजा खुलती है, अंदर बैठ जाती है और कहती है नहीं मैं ही जाऊंगी, मैं ही जाऊंगी. तो उसने नाउ, सो आई थिंक आई माइट नॉट एग्री विद यू कम्प्लीटली बिकॉज उसने किया है, लेकिन अब माही के साथ उसकी केमिस्ट्री डिफरेंट है क्योंकि उन दोनों की एक स्टोरी चली है बीच में. लेकिन ऑल्सो
अब जो है ना सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, अब वो कहीं बाहर नहीं खड़ी, वो घर में खड़ी हुई है. तो अब वो जब कुछ बातें बोलती है तो मुझे लगता है सही अगर वो थोड़ा सा देख के बोलती है, लेकिन यहाँ पे भी उसने चाचा को सुना दी जब चाचा बिल्कुल बेकार हैं, तो उसने बोला कि आप क्यों नहीं बच्चों को छोड़ने जाते. और अभी वो भाई उसको अपनी कजन को भी बोल रही है कि तुम माई की बातें मत सुनो अपने शोहर के अगेंस्ट, ये तुम्हें जायदाद में हिस्सा देगा, ये तुम्हें वो करेगा. तो आई रियली लाइक हर कैरेक्टर. द ओनली थिंग इज दैट आई एग्री विद यू कि आई विश थोड़ा सा डाउन प्ले किया होता है. हमारे यहाँ रमजान ड्रामों में ये शुरू कर दिया कि बहुत लाउड करना शुरू कर दिया है. मे बी दैट इज अ जॉनर ऑफ कॉमेडी दैट अपील्स टू सम पीपल, नॉट टू मी. आई फील हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है. और फिर और शाजिया, अगर तुम चारों ड्रामों में देखो, अगर तुम शहर का कैरेक्टर भी देखो इन इन फेरी टेल, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड, तेज तेज बोलने वाली और बेफिक्र होके, और अपनी That's now how not how we want to define independent, bold girls or confident girls or girls who want who are ambitious or savvy or who want to do things. No, we don't want to define girls like that. तो मुझे लग रहा है कि dramas subconsciously अपने characters को खुद stereotype कर रहे हैं. Would you agree? या वी अग्री, क्योंकि और शहर का फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं लगता, उसका भी ओटीटी लग रहा है, लेकिन एंड दोनों का आई डोंट वांट टू से कि वन इज परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर, लेकिन कहीं वो अपने आप को बचा लेती है, वो करती है, फिर वो जाके अब्बा को फोन करके वॉइस नोट भेज देती है, फिर वो कह देती, तो ऑल्दो हमें गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर बहुत बदतमीजी, लेकिन हम थोड़ा सा ना कहीं रुक जाते हैं. सो इन दैट सेंस आई फील कि थोड़ा सा बैलेंस किया है, बट अगेन द स्टीरियोटाइप, यू आर राइट कि बात सुन के नहीं, बट यहाँ दे ऑल्सो शोर कि माँ बाप भी नहीं बात सुन रहे, तो वो भी उन्हें स्टीरियोटाइप किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो स्टीरियोटाइप कि घर वाले भी नहीं सुनते. नहीं, मैं दो डिफरेंट चीजों की बात कर रही हूँ. वो तुम सही कह रही हो, उस पे हम बाद में आते हैं जब हम सह हम फेरी टेल को डिस्कस. मेरा मतलब था, जो तुमने पहला पॉइंट मेरा पकड़ लिया, मेरा मतलब ये था कि जिस तरीके से हम लड़कियों के कैरेक्टर्स को डिफाइन करें ना, वो कि वो एम्बिशियस है, वो कुछ करना चाहती है. बोथ रानिया का कैरेक्टर एंड सहर का कैरेक्टर जो है, बोथ उम्मीद और जो उम्मीद. उम्मीद और रानिया का जो कैरेक्टर है दोनों का, वो दोनों जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, वो एम्बिशियस हैं, और यू नो, तो लेकिन आप दोनों में देखें कि हद से ज्यादा बोल्ड हैं, परवाह नहीं करती आसपास के लोगों का क्या है, अपनी मनमानी कर रही हैं, दे गो ऑन एंड यू नो. तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा रीडिफाइन कर लें. वी डोंट वॉन्ट टू शो दैट गर्ल्स हु आर एम्बिशियस और हु आर बोल्ड आर ऑलवेज लाइक दिस. ऐसा नहीं है. तो ये मुझे लग रहा था कि ये है. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हर वार्डरोब? डू यू लाइक हर वार्डरोब? I think it's going with her character. It's not me. It's not something I would like. लेकिन जिस तरह का उसको दिखाया है, very outspoken and whatever, and I'm glad that they've done that characterization for her. तो वो अच्छा लग रहा है, मुझे मजे का लग रहा है. It's colorful, it's bright, it's vibrant. I एक्चुअली like मैं डबल माइंडेड थी. मैं सोच रही थी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे कपड़े कौन पहनता है. एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता अगर अंदरून शहर में या पंजाब में कस्बों में या टाउन्स में ऐसी चीजें पहनते हैं, मे बी हो. बट देन आई थॉट चलो कोई मसला नहीं, दे हैव ट्राई टू मेक एन एफर्ट. एंड क्योंकि वो कंसिस्टेंटली वो कोटी छोटी वाली पहन रही है अपने सारे बिल्कुल. शलवार कमीज पे, तो आई लाइक दैट एफर्ट. आई लाइक ओके चलो उन्होंने कुछ कुछ डिफरेंट तो करने की कोशिश की ना, उसके कैरेक्टर को कुछ एक स्पेशल यू नो स्केच बनाने की कोशिश की है. तो आई अप्रिशिएट दैट यू नो. No, I like it. I loved her on the scooter in the first row. I loved the way she was speaking out. तो मुझे हर चीज उसकी अच्छी लग रही है, सिर्फ थोड़ा सा उसको मध्यम रखते तो आई वुड हैव बीन ओके. और थोड़ा सा सीरियस हो गया था लास्ट एपिसोड, बीच के मैंने मिस किए, जिस तरह उसने माहिर ने जो बात करी. आई एक कॉमेडी ड्रामे में ना उसको लाइट रखना बड़ा मुश्किल होता है, कि आप उसको सीरियस भी रखें और उसको उधर नहीं लेके जाए जो वो बहुत सीरियस हो जाए. तो मुझे उसकी बात बहुत मीन लगी, तो मेरे दिल को जाके कहीं लगी है, मैं बार बार उसके ऊपर आ रही हूँ. वो आई मीन डिडंट बात लाइक है इट. ना? नहीं, मीन बात तो है. वो तो माहिर का कैरेक्टर दिखाया है, ही इज वेरी मटीरियलिस्टिक, ही इज वेरी शैलो. बाप उसको सुना रहा है, वो ख्याल ही नहीं कर रहा कि उसका बाप कितनी मेहनत से बाहर कमा रहा है. ऑल ही वॉन्ट्स इज मनी एंड टू शो ऑफ. और वो तो बहुत क्लियरली उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया है कि ही इज नॉट ही उसका एक जर्नी है माहिर का, जो अब आएगा. यू नो ही इज अ वेरी यू नो शो शा वाला बंदा. उसको एक अपने दोस्तों को ये दिखाओ वो दिखाओ, तो उसके हिसाब से तो, और वो अपने आप को बहुत कूल समझता है. तो उसने कहा ये कहाँ से छोटे से कस्बे से लड़की आई और देखो कैसे ये कपड़े पहनती है और क्या ये कहाँ से मेरी दोस्त या मेरी फैमिली. तो उसने इस तरह बोला, तो वो तो क्लियर उन्होंने जानबूझ के. और हाँ इसलिए भी उसके कपड़े ऐसे दिखाए हैं, इसलिए भी मे आई थिंक उसके कपड़े ऐसे बी. दिखाए हैं, टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन माहिर एंड रानी. बट आई लाइक इट कि देखिए एक लड़की को इस तरह दिखाया, एक लड़का बिल्कुल ही इज नॉट योर आइडियल हीरो,
he's flawed, लेकिन अब दोनों के का मजे का इंटरेक्शन होगा. आई ऑल्सो लाइक जो फरहाद का कैरेक्टर है, जो नेबर है उनके, और वो अभी लास्ट एपिसोड में वो जो चाय लेने जाते हैं, उससे पहले भी वो लड़की को देख के देख क्यूट है यार वो मोटरसाइकिल के साथ. आई ऑल्सो लाइक द सेट जो उन्होंने पूरा बनाया है, घर है और ऊपर वो ग्रीन सा चल रहा है, इट्स अ वेरी सूदिंग सेट दैट यू सी. तो वो अच्छा, चाय लेने के बारे में आपने क्या, आपका क्या रिएक्शन है भाई, वो चाय की पत्ती जो लेने गए हमारे ऑफिस में. लेने का बड़ा ठीक है। हाँ, आपके ऑफिस में भी आते हैं लोग बिस्किट और चाय लेने के लिए। हमारे पास बिस्किट खत्म हो गए हैं, चाय खत्म हो गई है, चीनी नहीं है। तो या वेरी क्रिएटिव कि सिर्फ ऑफिस में भी करते होंगे, यू नेवर नो। नहीं, ऑफिस में ये डिस्कशन हो रही थी कि अब कौन करता है, आजकल कब ऐसा कब होता है. मैंने कहा हाँ, अब सोशल मीडिया का टाइम आ गया है वेयर पीपल यू नो डोंट डू दीस थिंग, बट एक जमाने में ऐसा होता था कि यू नो इस तरह की, बिकॉज एक्सेस नहीं थी लोगों को एक दूसरे से, तो वो इसी तरह बहाने बहाने से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. तो मैंने कहा ये ओल्ड स्कूल वाइब वो वापस लेकर आए हैं. थोड़ा सिली लग रहा होगा शायद कुछ लोगों को, लेकिन मुझे मुझे मजा आ रहा था. एंड ऑल्सो जहाँ ऊपर नीचे के घर होते हैं ना, तो वहां तो होता है। इफ यू हैव टेनेंट्स लिविंग बट अपस्टेयर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट अ गाय गोइंग टू अ गर्ल्स हाउस विद द एक्सक्यूज कि उसको चाय की पत्ती चाहिए क्योंकि उसने लड़की को देखता है, या जो लड़की पसंद है उसको उसको हाँ देखता है, यू नो दैट. वो तो ऑफ कोर्स नेबर्स में बहुत सी चीजें चलती रहती हैं. वी आर या टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दैट. तो वो आई मुझे, डोंट माइंड, आई हाँ डिडंट माइंड एट ऑल। हाँ, मुझे क्यूट लग रहा था, आई आई वाज नो. लाइकिंग इट। हाँ, और वो जो कैरेक्टर है वो भी क्यूट सा है, वो देयर इज सम लाइकेबिलिटी अबाउट हिम, यू नो. That's the thing. कि आप कोई बिल्कुल क्रेजी चीज जब आप उसको परफॉर्म ऐसे करते हैं ना कि वो बुरी नहीं लगती, और आप कह भी इन योर माइंड यू थिंक ओ रियली दिस इज सो, बट इट्स ओके, इट गोज बिकॉज वो स्क्रीन पे अच्छा लग रहा होता है, एंड दैट्स व्हाट परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट। एंड आई ऑल्सो लाइक शमीम हिलाली को हम बड़े डिफरेंट रोल में देख रहे हैं इस बार. वो पंजाबी भी अच्छा खासा बोल रही हैं, और यू Absolutely. नो सो तुम्हें इतना पसंद नहीं आ रहा, बट आई एक्चुअली लाइक तेरे आने से एंड आई एंजॉय वॉचिंग इट. और मुझे अब जो नया टेंशन शुरू हुआ है, जब उन जो मैंने प्रोमो में देखा है कि उनके हाथ पे लग गई है और वो उसको आके पता क्या हुआ क्या बताई हुआ, जाए, आग आग लग गई है हाथ के ऊपर, आग आग लग गई है. लग रही है, आग कहाँ? अच्छा नहीं, मुझे जो डायलॉग मजे का लगा था वो उनकी चची है या कौन है जो ZQ प्ले कर रही है, उन्होंने जो कहा था कि ये तो बड़ा डेंजरस लग रहा है कि पहले हाँ मिलते हैं फिर लड़ाई हाँ होती है, उसके बाद फिर दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है। सो आई वाज लाइकिंग दैट एंड द वे शी डिलीवर्ड दोस डायलॉग्स। मैंने कहा हाँ चलिए ठीक है, स्टोरी यहाँ है, तो या बड़ा कैच अप। ठीक है, ओके सही है. हम नंबर 2 ड्रामा पे जा सकते हैं, विच इज हीर दो हीर द हीरो. हीर द हीरो जी, रिटन बाय अमर खान एंड डायरेक्टेड बाय साइमा वसीम, इमरान अशरफ और अमर खान आ गए मैदान में। पड़ोसी तो इंटरेस्टिंग कि जहां हम अर्बन ड्रामों में देखते हैं कि वो साइड बाय साइड ही, तो बहुत कॉमेडीज में देखते हैं ना कि नेबर्स होते हैं, तो यहाँ इन्होंने इधर कर दिया है, जो थोड़ा सा ज्यादा इनका रूरल सेटिंग नहीं है, सिटी की है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ शहर, सेटिंग। अंदरून शहर. हाँ, अंदरून शहर में, तो उनकी छत पे बातें चल रही होती हैं। मुझे पहले 2 एपिसोड एक्चुअली ज्यादा मजे के लगे थे अगेन, क्योंकि उनका ह्यूमर बिल्कुल फर्क टाइप का है, और वो ह्यूमर मुझे मजे का भी लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो थोड़ा सा बैठ गया है बिकॉज़ में ड्रामा, क्योंकि वो ह्यूमर अब बार बार दोहरा रहे हैं और अब हम थक गए हैं वो देख देख के। सो फॉर मी दैट्स द प्रॉब्लम। शुरू में मुझे फनी लग रहा था, इवन द वे द डायलॉग्स वर रिटन, आधी इंग्लिश आधी उर्दू आधी पंजाबी में, एंड अमर खान की डिलीवरी भी, इमरान अशरफ की भी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी, थोड़ा सा कहीं जो है ना, इट्स गोइंग ऑफ बैलेंस। So I like the subject. I feel the subject is so important, which is about elections and how the two families are against each other. और वो you know जीते हुए हैं, लेकिन वो कोई काम ज्यादा नहीं करे, तो दूसरे तो you know हीरो जो है, हीरो वो जाके you know मोहल्ले के लोगों की मदद कर रहा है और काम कर रहा है, एंड you know how कितना ईगो का मसला बनाया हुआ है और वो सब. तो मुझे ये ना, ये कॉन्सेप्ट, मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लग रहा था. आई रियली लाइक द टॉपिक. और अभी लास्ट किसमें भी जब वो लोग बैठे हुए अब बातें कर रहे होते हैं, तो वो इतने मजे का इतना इंटरेस्टिंग डायलॉग था कि आपको पता है कि आवाम क्या सोचती है जब दो हरीफ इस तरीके से वो कर रहे होते हैं. आई वाज लाइक ये एक्चुअली दिस पॉलिटिकल सटायर दैट दे आर डूइंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट. एंड आई वाज थिंकिंग कि ये बिल्कुल सही बात है, एंड ये शायद पाकिस्तान के जो 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 होता है इलेक्शंस में, शायद उसको उसके ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन है. तो ये मुझे जो चीज है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. सेकंड चीज मुझे ये लगा कि अच्छा, आपने टिकटॉक के स्टार्स को एक प्रॉपर कैरेक्टर दिया है एंड सॉलिड कैरेक्टर दिया है. देन बट द
where the drama starts slipping is number one, I feel comedy. Somehow it's not fitting in with me. Mujhe bahut over the top lagti hai. Bahut over the top lagti hai. I'm apologies, but and I really wanted to see it and main dekh bhi rahi hu abhi bhi. To kyunki kuch cheezon ki na samajh nahi aati hai ki itne log ye koi hum koi 14 saal ke bacche to nahi dikha rahe us drama mein. But some of the things that they are doing, I find it difficult to understand ki aisa ki ye character aisa kyun kar raha hoga. I would expect better from such characters. So mujhe lagta hai character sketches ki bhi zara behtar hone ki zarurat hai. Then TikTokers ki portrayal, Shazia, it's so, I mean, stereotypical. Unhone jo do dikhai aur aapas mein jo lad rahi hain do, yeah, I was so, you know, distasteful. I feel unfortunately और एक और ड्रामे में भी वो यही कर रहे हैं कि वो टिकटॉकर्स को जब इतना नेगेटिव दिखाते हैं, it's not fair to all those जो इतना काम कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं कह रही हूँ ऐसे जो होते हैं वो शोर बहुत मचाते हैं, आपको नजर आते हैं, और वो लोग जो ऐसे नहीं होते उनको आप नहीं देख, और उनकी रोजी रोटी होती है बहुत सारे लोगों की, दे डू दिस. सो आई रियली थिंक एंड इट इज ड्रामा दैट मेक्स दैट इंप्रेशन, एंड ड्रामा आर मेकिंग दैट इंप्रेशन. मुझे ये बात थोड़ी अच्छी लगी थी जो अभी आखिरी किस्त में जो वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट साजिशें प्लान कर रहे थे, उन्होंने सब बताया और इट वॉज इंटरेस्टिंग. अगेन पोलिटिकल सैटायर था कि हम उनका नाम ही उनका निशान ही हटा देंगे, ऊपर से तो फिर ठपका लगाएंगे तो हम पीछे से तो निकाल देंगे, डब्बे तो हमारे ही जाएंगे. एंड देन आई लाइक इट इन द एंड दैट दे बोथ सेड कि नहीं हमें इस तरह नहीं जीतना. सो बिकॉज आई वॉज थिंकिंग वेयर इज दिस डायलॉग गोइंग. इन दैट सेंस आई लाइक द एग्जीक्यूशन ऑल्सो कि वो इधर का दिखा रहे थे, फिर इधर का दिखा रहे थे, फिर इधर का दिखा रहे थे, लेकिन everything in that drama execution, and you're so right, you put your finger on it, Rabia, it is a character sketch and the development lag raha hai ki sab bas apni us pe r pe ja rahe hain, unhone socha hua hai ki bas mera character aisa hona hai to bas main ye karunga, yeah, aur karu, yeah, koi sense to nahi main kehti, but koi ek flow mein nahi ja rahi hai cheeze, kuch samajh nahi aa rahi hai kahani ki. Aur dusri baat ye, Shazia, mujhe lag raha hai ki hum Amar Khan aur you know Imran Ashraf ko aise characters mein pehle dekh chuke hain, so I really want to see them performing in a different way, being directed in a different way. So again it's, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा कि कोई नया फ्लेवर है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं नई कैरेक्टर देख रही हूँ. इट्स समथिंग दैट आई हैव सीन maybe before also, if not a lot of times, several times I will say that, and it's disappointing because they are both very very talented, extremely talented, and I know that isse bhi zyada achhi cheez ho sakti thi. And the topic again jo ab hum baat kar rahe hain ki kitni wo they are taking the things they are pointing out are so good, but yes, they are not serving their purpose because execution mein masla hai. Comedy jo hai wo bahut आपकी रन ऑफ द मिल लग रही है, जो आप दो साल से करते हुए आ रहे हैं, अब आपको डिफरेंट चीज चाहिए, डिफरेंट फ्लेवर चाहिए, कॉमेडी का भी एक डिफरेंट स्टाइल में भी चाहिए. तो इट्स नॉट गेटिंग माय अटेंशन मुझे, एंड मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है देखते हुए ऑनेस्टली, बिकॉज मैं कह रही होती हूँ ये कैरेक्टर ऐसा नहीं करेगा, मुझे इस कैरेक्टर को ऐसे नहीं करते हुए देखना चाहिए. एंड यस, आई एम अ काइंड ऑफ अ सीरियस पर्सन, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत सीरियस हो जाती हैं एंड वो, बट आई एम सीरियस एंड आई फील इट्स नॉट फेयर टू द टिकटॉकर्स टू बी प्रेजेंट देम लाइक दिस, बिकॉज आई मेट फ्यू नहीं काफी टिकटॉकर्स अभी जब लाहौर में डिसम्बर में टिकटॉक का इवेंट हुआ था, एंड आई वॉज सरप्राइज दे आर नॉट लाइक दिस, और वो बहुत अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं. तो आई वुड हैव लाइक्ड कि हम वो दिखाते. So did you think that they were like that before you had, I mean, I'm not saying you, yeah. I mean, did you think that an impression, to dekha wo impression humne screen par hi dekha tha to hame hua tha. Yeah. And the kind of things that are happening on TikTok, मैं जब मैंने वो इवेंट अटेंड किया तो मुझे पता चला कि ओ इस पे तो आप डाइट की, सेहत की, गाड़ियों की, एजुकेशन सब, बिकॉज दे हैड कैटेगरीज फॉर अवार्ड्स, यू नो, फॉर ऑल दीज. लेकिन हमारे जहन में बस आता है कि कोई गाने बना रहा होगा, कोई फजूल किस्म के जोक्स कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं है. एंड अभी जो लास्ट एपिसोड जो अभी गई है कल रात की, उसमें वो पूरा सीन जो ऊपर वो शूट कर रहे हैं, या तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर करते. इट फेल्ट सो इमेच्योर, एंड सो या तो उसकी एग्जीक्यूशन आपने करना है, देन फाइन डू इट, बट उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर लगती है. हमें देखते हुए लगता कि यार कोई अच्छा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. मैं सिर्फ देख रही थी, मैं सोची थी यार ये मैं क्यों देख रही हूँ, व्हाई डू हैव टू वॉच दिस, एंड और इट्स नॉट, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है. एंड इट्स नॉट दैट
एवरी टाइम एवरीथिंग हैज टू हैव अ पर्पस. नहीं है पर्पस, चले हमें वैसे ही आप हंसा दें, हम उस पे हंस लेंगे, बट वो भी नहीं हो पा रहा. फिर जैन का कैरेक्टर, I was just going to come to Zain का character. बात करें, मैं तो बहुत बोल नहीं, Zain का character तो वो जो पूरा जो वो competition था जिसमें वो ईट को खींच रहे थे और वो पहलवानों वाली हरकतें, because आपने actually the other problem is कि इतनी चीजें इस ड्रामे में डाल दी हैं और इतनी distractions डाल दी हैं. एक तो आप फैमिली के उन कैरेक्टर्स को डेवलप करें, वो मियाँ बीवी में आपस में जो भी उनके अब्बा को और उनकी स्टोरी डिवेलप करें, फिर आपने यहाँ एक कैरेक्टर डाल दिया who's actually I don't want to say painful, but it is painful to see the way he has been developed. Because कहीं से वो या तो appealing भी नहीं लग रहा, और फिर आपने बेचारे को अजीब और गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर दी हैं उसके साथ. So it's just looking very off, and it's again I think इस ऐसे character को लेते हैं अगर आपको इमरान अशरफ के सामने लेना था, जिसपे हमें लगता तो कि अच्छा ठीक है, you know, not just I'm just not talking about the act, I'm talking about the character, the way you develop the character. Both the things were totally off. And Rabia, मैंने ये भी सोचा कि कभी-कभी मेरा, जैसे तुमने कहा कि you didn't find it funny, मेरा flavor नहीं हो उस comedy के लिए. इसलिए मैंने कहा कि पहले दो episode मैंने फिर भी enjoy किए. Like मुझे funny लग रहा था कि वो छत पे खड़ी हुई बात कह रही थी कि मैं छलांग लगाने वाली हूँ, उसने कहा कि नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. बिकॉज आई थॉट ओके इट्स नॉट मी, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट सिटिंग बैक एंड रिलैक्सिंग. लेकिन अब वो ज्यादा उसका लेवल नीचे ही चला जा रहा है, लाइक यू सेड द मौला जट सीन. तो वी देयर आर अदर थिंग्स टू वॉच एंड इट्स टू मच स्लैपस्टिक एंड कैरेक्टर्स आर नॉट देयर. अब वो जो पूरा उसकी बर्थडे का सीन था उसपे वो जो गिफ्ट देते हैं हीरो, वो क्या था? एंड पहली बात ये, वो तो आपने किसी यू नो फीरे के ऊपर जो यूज होता है वो आपने, इट वाज नॉट इवन प्रॉपर, यू नो आई डोंट इवन वांट टू टेक द नेम एंड Do we really want to see this kind of humor? Do we really want to see humor developing in this way? I don't think so. And I would say, chale, I'm the odd one out. Agar usme views aa rahe hote, agar aaj usme yehi bolne wali thi, haan, main kehti chalo ji, jaise tere pe hum bahut si baaton pe chup hai, public dekh rahi hai, public ko acha lag raha hai, hame lagta hai Indian soap se inspired hai, but unhe acha laga ki tel dal ke unhone usko slip kara diya, saazish ho gayi. To chalo, yahan to views bhi nahi aa rahe na, which means public has also reduced, because this segment ko aap target kar rahe hain, us segment ko bhi nahi samajh aa raha, hum to chalo. And also dusri baat ye, dekho ek ye bhi cheez hoti hai, and ye shayad maybe I'm wrong in saying it, I'm not sure, but you know जो कैरेक्टर आप इमरान अशरफ जिस तरह की परफॉर्मेंस देख चुके हैं या जिस तरह की रोल्स कर चुके हैं, तो उनसे एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है. अब इस तरह की चीज करते हुए शायद ऑडियंसेस को मसला हो रहा है कि यार ये वी कांट कीप सीइंग हिम लाइक दिस, और वी डोंट वांट टू सी हिम लाइक दिस. मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत व्यूज आ रहे हैं वो इमरान अशरफ और अमर खान की वजह से ही आ रहे हैं frankly. Otherwise, I think the characters, because देखो अगर कोई ऐसा इतना बड़ा स्टार नहीं होता जो कर रहा होता, लेकिन अच्छी तरह डेवलप हुए हुए होते तो आप फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते. अभी तो सिर्फ इन दोनों की वजह से. और अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि अंदरून शहर दिखा रहे हैं, बहुत सीन भी बड़े अच्छे हैं, और कुछ टॉपिक्स पे जैसे उसने डोमेस्टिक अब्यूज के टॉपिक को उन्होंने टच किया, उन्होंने गोरे रंग के बारे में बात की, तो दे आर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इन, बट सैडली ऑल ऑफ दिस इज गोइंग वेस्टेड बिकॉज ऑफ the execution. I think it's too much noise in the drama. There's just too much happening in the drama, and it's very hard. I mean, literally your mind is going like, "Acha, ab ye ho raha hai, ab ye wo wala scene hua tha, lekin ab to ye ho gaya yahan." So that's what's happening. There's a disconnectedness. Yeah. Okay. But I'm feel really bad criticizing so much because I don't want to. I was really looking forward. But I'm hoping it will get better. Let's see. अभी तो पूरा रमजान है, अभी तो थोड़े सीरियस हो गए. ओके जी, कमिंग टू आवर थर्ड ड्रामा विच इज फेरी टेल. सो फेरी टेल एंड चांद तारा दो हैं आपके पास. फेरी टेल एंड चांद तारा. फेरी टेल फॉर मी वाज अ बिग सरप्राइज एक्चुअली, क्योंकि इट हैज बीन रिटन बाय सारा मजीद एंड डायरेक्शन बाय अली हसन, एंड इसमें है हमारी सहर खान एंड हमजा सगीर. And then there was Chantara. So I thought Fairy Tale will be okay. Lekin mujhe bahut refreshing lag raha hai. I'm not saying it's spectacular, but I'm saying that jitna uspe mehnat ki gayi hai direction wise us drama pe, aur jitne script mein bhi jo dialogues hain kuch, wo bahut jaise aagu jaan jab baatein kar rahi hoti hain, unki badi pearls of wisdom drop ho rahe hote hain. Jab unhone jaise for example kaha na ki game show aajkal materialistic, unhone kaha Neelamghar kya hota tha? Hmm. वो भी तो आपके जमाने में होता था. सो शी सेज थिंग्स दैट मेक यू थिंक,
और भी उन्होंने इस तरह की बातें करी हैं. सो इन दैट सेंस इट्स रियली गुड वेयर पीपल आर सेइंग सैर खान इज बदतमीज, उनका कैरेक्टर आई एग्री वो कभी काफी ज्यादा पुश हो जाता है कहीं, लेकिन आई एम जस्ट लविंग हर परफॉर्मेंस. आई फील इट सो रिफ्रेश. कास्टिंग इज ग्रेट. Casting is actors do not have to underplay their age. They are what they are. And Hamza Sohail is just looking. I think he's going to go up after. He's already doing well. लेकिन उनकी versatility मुझे बहुत अच्छी लगी है. उन्होंने हर ड्रामे में completely different role किया and he's reinvented himself. अच्छा मुझे तो सहर का कैरेक्टर जो कि उम्मीद पाशा का कैरेक्टर है मुझे सही लगता है बिकॉज शुरू में हुई. अच्छा फेरी टेल के साथ ऐसा है कि आप दिमाग में बना लें ठीक है कि ये ड्रामा जो है इसमें कुछ चीजें बिल्कुल यू नो फेरी टेल वाली ही होंगी या आउट ऑफ रियलिटी होंगी. जब आप ये समझ लेते हैं तो फिर आपको आराम लगता है, फिर आप आसानी से जाते हैं. जैसे रमजान ड्रामास में भी एक्सपेक्ट कि कॉमेडी यू नो होगी और शायद ओवर द टॉप भी हो लेकिन अच्छी होगी, मजे की होगी. तो इसी तरह उसके बारे में था. मुझे तो उम्मीद पाशा का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है. आई थिंक उसकी भी एक जर्नी होगी वेयर शी विल लर्न कि शॉर्टकट से पैसे नहीं कमाए जा सकते, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड आई होप दे विल शो दैट यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट मनी एंड यू नो कहीं पहुंचने के लिए सिर्फ गेम शोज इज नॉट द सोल्यूशन टू अर्न मनी. आई लव इट कि वो सॉरी कि वो आई वापस अपने 2 करोड़ जीत के और उसने कहा लोग तो इतना इस्तकबाल करते हैं. वो जहाँ करती है ना उसको पढ़ती भी है, फिर उसके घर वाले उसको बताते हैं, वो पाशा साहब बताते हैं कि कोई बड़ी इट्स नॉट अ बिग डील. सो एवरी टाइम शी डज समथिंग दे पुल अस बैक और पुल हर बैक उसको रियलिटी. उम्मीद का जो कैरेक्टर है ना वो परफेक्ट नहीं है. इट्स नॉट अ वाइट कैरेक्टर ठीक है, लेकिन वो एम्बिशियस है. वो दिल का अच्छा और एम्बिशियस है, वो कुछ करना चाहता है. थोड़ा सा सेल्फिश भी है उसका कैरेक्टर उम्मीद का, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है. तो उसमें उसका एक जर्नी होगा जो दिखाएंगे. तो वो मुझे मुझे ये लेकिन उसकी भी उन्होंने देखो एक बैक स्टोरी दी है. व्हाई इज शी लाइक दिस बिकॉज उसके बाप ने उसको वो चांसेस नहीं दिए, वो उससे एक्सपेक्टेशंस भी वो नहीं रखी बिकॉज शी इज अ गर्ल यू नो. सो ये सो आई लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर उम्मीद पाशा को इस तरह दिखाया भी है तो आई एम क्वाइट ओके. यस आई डू फील दैट शोइंग एम्बिशियस गर्ल्स एज यू नो तेज तेज बात कर रही हैं और यू नो जो दिल चाहे वो कर देती हैं और कहीं भी निकल जाएंगी, वो ऐसा मत दिखाएं. और थोड़ा सा यू नो कि इम्पल्सिव दिखाते ऐसा मत दिखाएं कि दिमाग में एक बात आ गई तो बस उसे करना ही है और वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, ऐसा मत दिखाइए. थोड़ी सी स्टीरियोटाइपिंग उसमें कम हो सकती है. बट दूसरी बात जो तुमने कही थी शाजिया, वो इतना जबरदस्त इन्होंने इतनी एफर्ट की है, पूरा गेम शो जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया वो सब किया. इट्स आई वाज वाचिंग इट विद समवन यस्टरडे जिन्होंने वो ड्रामा नहीं देखा था एंड दे वर लुकिंग एंड दे सेड इज दिस अ गेम शो और मैंने कहा नो इट्स एक्चुअली अ गेम शो इनसाइड द ड्रामा एंड दैट पर्सन सेड यू नो इट्स लुकिंग सो रियल बिकॉज़ दे डन दे लाइव ऑडियंस भी दिखाई थी जो दे वर क्लैपिंग एट द राइट टाइम. फिर वो चाबी भी दी गाड़ी की. आई मीन वी वर ऑल्सो थिंकिंग फिर उसको एंड अली सफीनाज फॉर मी रियली आई थिंक हिज कैरेक्टर आई लव द ही स्लिप्स इनटू मोड. उनके बहुत मजे का कैरेक्टर उनको बड़ा मजा आ रहा है करने में कि वो आधा निकाला कहा अच्छा आप टर्न करें देखिए मैं फिर से आपको दे रहा हूँ. सो इट वाज आई वाज रियली विल शी गेट इट विल शी गेट इट आई होप शी गेट्स इट नहीं नहीं मिलेगा इसको लेकिन So I really want to admire the whole team and you know the director Ali Hassan for doing this, for making this much effort because mera to dil jeeta hai unhone is tarike se, you know. I really wo camera bhi unhone dikhaya jo nazar aa raha tha in the frame ke ye game show mein aise hi hota hai ki wo move karte hai camera idhar fir wo bhi piche se dikhaya hai ki Hamza Sohail ka character jo hai wo ab baitha hua dekh raha hai aur wo camera wo banda jo keh raha hai teenon camera ladki pe rakho uske wo rakho. So we were part of this whole process. This is what I'm saying in terms of execution बट हम भूल जाते हैं बिकॉज डेवलपमेंट जिस तरह स्टोरी की हो रही है ना वो इंटरेस्टिंग है. अच्छा जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर टू कैरेक्टर्स हया एंड समीर बोथ न्यू. प्रॉब्लम विद हया एंड समीर इज एग्जैक्टली जो उसने कहा ना उम्मीद ने कहा ठीक है आई एम सॉरी कि मैं भाग गई थी लेकिन तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया अपने लिए, तुम क्यों बैठी रही. तो मुझे ये लगता है कि ऑल्दो वी फील शी सेल्फिश उसने कहा मुझे तो नहीं पता था मेरे पीछे ये हो जाएगा, मुझे ख्याल रखना था लेकिन तुम्हें तो आई मीन आई फील इज अनफेयर कि उसको ब्लेम कर रही थी. अच्छा हया समीर का जो आपस में है आई फील दैट इज अ ट्रैक दे हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल बिकॉज यहाँ हमें मजा आ रहा है और यहाँ हम कह रहे कि भाई क्या है आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो रोती धोती बैठी हुई है
it's not fair to the characters, to both of them. Adnan, Raza Mir did need some help with his diction and the way he's delivering characters. Wo bichare koshish kar rahe hain, I mean his dialogues, lekin wo baith nahi rahe hain us tarah se. Pehle bol diya na ki wo Urdu nahi bolna aate, unhone bol diya. And I want to admire वो जो शुरू का था drama, the way it starts, और वो हर character आके अपना introduction करा रहा है, वो बहुत अच्छा था. I really liked it. It was very refreshing to see that. लेकिन तो उन्होंने पहले ही वो कर दिया. In fact, I expected कि थोड़ा सा accent ज़्यादा होगा और वो थोड़ी सी English ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगी. But he's speaking throughout, and then I was like, क्यों ये बोला आपने शुरू में? लेकिन I really wish that Sameer would do something. कभी-कभी मेरा दिल चाहता है मैं बोलूँ Sameer, जाओ बेटा कुछ कर लो समीर, but it's like he's just sitting on the stairs, yeah he's painting, but और वो दोनों बड़ी cute हैं, both the actors are very cute and I would like to see some cute moments between them. मतलब मैं क्या ही दोनों को मैं धक्का दूँ, कुछ करो ना, जाओ चाट खाने चले जाओ, बाहर निकल जाओ, कुछ कर लो, वो घर में बेचारे बेजार बैठे हुए होते हैं. लेकिन हया का कैरेक्टर तो आई अंडरस्टैंड वो ऐसी है, जितनी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट उम्मीद है, हया उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. वो सबको लेके चलती है, खुश करना चाहती है. वो उसको अभी भी ये ख्याल है कि भाई मेरे एक्शन से सबका दिल टूट जाएगा, तो वो शी इज नॉट टेकिंग एनी स्टैंड. तो वो मुझे समझ आता है. समीर आई फील विल हैव अ जर्नी. आई रियली होप सो दैट वी सी हिज जर्नी एंड ही यू नो स्टैंड्स अप एंड डज समथिंग. हमजा सुहेल इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. वो जो सड़ू बने हुए हैं ना, वो अच्छा लग रहा है. आप जानती नहीं है कि बहुत झूठ बोलती है. सो या आई एम लविंग हिज एक्सप्रेशन बिकॉज ही स्काउलिंग ऑल द टाइम व्हेन ही सीज हर. सो दैट इज गुड. आई एम लविंग आगुजान्स कैरेक्टर ऑल्सो बिकॉज उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया है राबिया, जो क्रोशे कर रहा होता है, जो भूल रहा होता है. आई डोंट नो शी हैज अ लिटिल बिट ऑफ डिमेंशिया, आई एम नॉट श्योर. लेकिन वो कैप भी वैसी पहनी हुई होती है, वो सबको बना के भी दे रही होती है. जब उम्मीद जा रही होती है तो उसको भी उठा के वो क्रोशे कर देती है कि ये साथ लेके जाओ. सो इट्स एंड शी इज एडिंग लाइफ to what's going on. Again, the execution ke jab wo dekh rahe the game show, wo puri family you move kar rahi thi saath saath. Other things also, garden mein jab wo log lete hue the teeno benches ke upar, wo upar se shot diya hua tha. So all this is really adding to everything. I'm a fan of Ali Hassan. पहले भी उनके हमने ड्रामे देखे हैं, प्यारी मोना रीसेंटली भी चल रहा है, तो मुझे उनकी एग्जीक्यूशन उनका टेक बहुत अच्छी लगती है. और अभी भी इस ड्रामे में एज यू सेइंग ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे उन्होंने अटेंशन दी हुई है, एंड एंड वी कैन नोटिस इट. एंड मुझे आई एंजॉय फेरी टेल, मुझे मजा आता है देखने का. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब वो घर पे आ गई है उनके, और अब जब हमजा सुहेल वापस आएंगे तो वो देखेंगे कि उम्मीद पाशा उनके घर पे है, द गर्ल ही कैन नॉट स्टैंड. सो इट्स गोइंग टू बी फन टू वॉच इट. I like the fact they have this chai thing for her, that she has to have chai to get over her stress. Ab Pasha saab ke baare mein jaldi se aap bata de bhai, unko kya karna hai? Wo dekh bhi rahe the phone ke upar, lekin unhone andar nahi aane diya ghar pe usko. Thoda sa zyada hi. So jahan hum keh rahe hain ki hum ladkiyon ko stereotype kar rahe hain, ha? Nahi, mujhe stereotypical nahi, mujhe forced lag raha hai. Just because एक एक एक्सक्यूज बनाना था कि उम्मीद जाके अपनी दोस्त के घर है जहाँ पे उसका इंटरेक्शन हमजा के कैरेक्टर के साथ, तो उन्होंने पाशा साहब को ऐसा दिखाया, तो कुछ और निकाल देते. मुझे फोर्स्ड लग रहा है, मुझे नेचुरल नहीं लग रहा है. स्पेशली व्हेन ही नोज दैट वो जीत के आ गई है, और यू नो, और वो परेशान भी नहीं है. मतलब वो अकेली रात को, इट्स फोर्स्ड एंड इट सीम्स अननेचुरल टू मी. उन्होंने किया बहन से कर ली, नॉट जस्ट फॉर्स, पर एक्चुअली जहाँ हम लड़कियों को स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, जैसे आई थिंक यहाँ हम फैमिलीज को भी बहुत स्टीरियोटाइप कर रहे हैं कि जबरदस्ती मंगनी करानी है, कि नहीं हर चीज में मना करना है. तो थोड़ी सी वहां भी ना कोई बैलेंस होना चाहिए, ताकि आई मीन यू डोंट हैव टू हैव every time a strong action to get a strong reaction. There are different ways of manipulating the story, and this is my thodi si meri problem hai iske sath issue. ठीक है. सो ड्रामे में कुछ थी चीजें जो हमें ऑफ लग रही थी, बट ओवर द टाइम आई थिंक थिंग्स हैव स्मूथ हो गई, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट मोर. लास्ट ड्रामा चांद तारा. जी, फर्स्ट इम्प्रेशन.
First impression, I'm loving the chemistry. So this is, sorry, Salma Akram Chaudhary, written by and directed by Danish Nawaz, who is also performing in the drama. First impression is that I'm really enjoying Danish Taimur and Aiza Khan's chemistry on screen. मुझे बहुत मजा आ रहा है, जैसे राबिया मैंने दोनों ने कहा है कि Aiza को तो हम देख रहे होते हैं कभी कभी इस टाइप के रोल्स में, although it's different, लेकिन Danish को इस रोल में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Because it's different and last मैंने कैसी तेरी खुदगर्जी में देखा था and now so it's totally different and I'm enjoying it. I just love Sarim's character. Abhi last wali episode mein bhi wo jis tarah bechara pareshan hoke bhag raha hai and he's irritated ki family mein koi baat sun le. I think Danish Taimur is doing a great job of performing this role. And he's making us like Sarim. So that I wanted to say. Chantara, same Saima Akram ka flavor hai. You know, unki writing ka big family, many characters, comedy. डिफरेंस ये है कि लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड अगेन बीइंग हर सिग्नेचर स्टाइल उन्होंने बहुत से टॉपिक से बात किया. जैसे मैं आज सुबह सोच रही थी आई वाज लाइक मैं काउंट करना स्टार्ट करूं शी इज टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक इज बिग फैमिली वर्सेस स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम के जंजाल और फायदे और नुकसान. देन देयर इज लड़कियों को आप स्पोर्ट्स सिखाते तो हैं लेकिन उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देते एंड हाउ देयर विक्ट्रीज और देयर अचीवमेंट्स नो बिग डील. टिकटॉकर्स का इम्प्रेशन और उनको क्या मसले मसाइल हैं, प्रेगनेंसी इन लेटर एजेस, यू नो शादी के उसमें सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है, किस तरह लोग करते हैं, देन सिंगल मदर्स की लाइफ कैसी होती है और कैसे उनकी जिंदगी के इम्पैक्ट बच्चों पे होते हैं, डॉक्टर्स. आई थिंक अच्छा ये वाला लास्ट में टॉपिक दोबारा बात करूंगी डॉक्टर्स वाला कि डॉक्टर्स के क्या मसले मसाइल हैं, वो कैसे रह रहे हैं, लड़कियां जिनको सेवंथ में ये बोल रही हूँ कि माँ ने जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनवाया है. When you make your kids do something that they don't want to do, तो फिर क्या? और ये भी सोच रही है कि सिर्फ एक डॉक्टर को ही समझ आएगी एक डॉक्टर की जिंदगी, which is a very important point शादी करने के. So many messages, and you know, and again, if you look again, I want to give her credit for all of that. कि उनका हर कैरेक्टर बड़ा वेल डिफाइंड और वेल स्केच्ड है. आपको पता है कि यू नो नाज ऐसी है और मतीन ऐसे हैं और यू नो जो अब्बा हैं गुलजार साहब वो ऐसे हैं, उनके हाथ में वो बुक है, डायरी हर वक्त पढ़ते रहते हैं और सबा फैसल का कैरेक्टर एक स्पेसिफिक किस्म का है. सो इन हर सिग्नेचर स्टाइल शी इज डन ऑल ऑफ दिस. But also, sorry, one more point. She has looked at software engineers जो घर से काम कर रहे होते हैं and they are doing a good job. They are not. They might not be going to a 9-to-5 office, but that doesn't mean कि वो कोई serious काम या वो income नहीं generate कर रहे होते. And वो बार बार उसको दिखाते हैं कि अच्छा मेरी meeting है, ये है, हाँ मैं आपको भेज दूंगा to remind us that he is कोई एक काबिल इंसान ऐसा ही नहीं है. So again, she's talking about very relevant subjects in her script. बस मुझे मसला ये लगता है कि थोड़ा सा शायद गोइंग फॉरवर्ड फॉर्मूला चेंज होना चाहिए. हमेशा इतनी बड़ी फैमिलीज और इतने कैरेक्टर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, हमेशा उसी टाइप की कॉमेडी दिखाने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली मुझे इधर भी कॉमेडी थोड़ी सी फोर्स्ड लग रही है चांदतारा में, मुझे हंसी नहीं आती. आई लव दानिश तैमूर एंड आयजाज ट्रैक, आई लव इट. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग चांदतारा. वो यू नो उसको पास्ता खाना था, उसने भाई के कहने पे पास्ता उसको ला के दे दिया, उसको प्रपोज कर रहा है, उसके लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, यू नो ऑल ऑफ दैट. उसको कॉल करके पूछिए किस तरह, तो आई फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी क्यूट. बट जो वो जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वहां जो आप दिखा रहे हैं ना, वो बहुत ओवर द टॉप चला जाता है. वो मुझे समझ भी नहीं आती ना, मैं उसको एंजॉय करती हूँ एंड वो देखना मुश्किल होता है. अगेन सबा फैसल एंड यू नो आयजा के कैरेक्टर की केमिस्ट्री बहुत मजे की है. सबा फैसल कंप्लीटली न्यू अवतार, आई एम लविंग इट. एंड शी इज एक एक्टर को भी कभी कभी एक से टाइप के अम्मा के रोल्स करके चेंज करना ना कभी हम नहीं एक्सेप्ट करते एज एन ऑडियंस, बट शी इज डन इट सो वेल दैट वी आर एंजॉयिंग इट एंड शी इज प्लेइंग इट लाइक. वो जिस तरह कहती उस घर में तो कुछ नहीं पता कि किसका कौन सा बच्चा है क्या हो रहा है, वो बातें इतनी नेचुरली करती है कि हम भी अगर हम में से कोई उकसाया हो बड़ी फैमिली देखकर तो हम भी इसी तरह रिएक्ट करें फिया लाइक सबा डॉक्टर राजी. सो आई लाइक दैट एंड इट्स एवरीथिंग द वे शी इज ड्रेसिंग, उनके बाल जिस तरह बने हुए होते हैं, जिस तरह वो इंटरेक्ट कर रही होती है, चीख नहीं मारती है, शोर नहीं मचाती है, फर्म होती है, शी स्टेज एंड या सो इट्स रियली डन ब्यूटिफुली. एंड आई मीन यू कैन सी वाई उसका क्या नाम है आयशा खान्स कैरेक्टर तारा इज स्केयर्ड ऑफ हर, यू कैन टेल क्यों है वो है उनका. तो इसमें बहुत से मजे की चीजें हैं, बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं, बहुत से टॉपिक से बात हो रही है. आई जस्ट विश के थोड़ा सा कुछ हमें डिफरेंट फॉर्मूला नजर आता, थोड़ा सा हमें यू नो कॉमेडी का लेवल, यू नो आई आई
think about the comedy that we saw in Hum Tum or you know the what we saw in even Chupki Chupki ya usse bhi pehle aap Sona Chanda mein chale jaye, वो वाकई हंसी आती थी यार, आपको दिल चाहता था हंसी, आप बेख्तियार हंसते थे, सिली चीजें भी होती थी, या तो हम एज ऑडियंस इवॉल्व कर गए, हमारा भी लेवल चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, या फिर मे बी द लेवल ऑफ कॉमेडी हैज गॉन डाउन, हैज टेकन अ डाउन टर्न. सो मैं आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, लेकिन मुझे राबिया आई थिंक इस दफा ना बड़ी फैमिलीज पे चल, आई एम ओके विद दैट आल्सो इफ यू वांट टू कीप द फॉर्मूला, लेकिन जो आपस में जो रिलेशनशिप है ना उस बड़े घर में वो सही डिवेलप नहीं होनी है, जब वो एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं उनके उनके और उनकी बीवी की सही रिलेशनशिप उन्होंने दिखाई नहीं है सही डेवलप आपस में कैरेक्टर्स की उस घर के अंदर, वो सब अपना इधर से उधर, यू नो दे आर वेरी स्कैटर्ड, हमें उनके लिए फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो एक कॉन्वर्सेशन अगर वो इंटरेस्टिंग सी कर देते मियाँ बीवी के साथ जब उनको बेबी का पता चलता है प्रेगनेंसी का, तो शायद हमें थोड़ी सी हम इन्वेस्ट हो जाते उस घर के कैरेक्टर्स में, हम इन्वेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ चांद तारा उन दोनों में इन्वेस्टेड है, क्योंकि हमें उनकी कहानी समझ आ रही है, इसलिए इन्वेस्टेड नहीं है कि आपने उन पूरी फैमिली को एक बहुत मजाही अंदाज में पेश करने की कोशिश की, आपने वो जो जो डायनामिक्स हैं ऑफ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, यू हैव ट्राइड टू मेक इट, यू हैव ट्राइड टू टॉक अबाउट देम इन अ फनी वे, बट इट हैजंट रियली वर्कड आउट दैट वेल, बिकॉज वो फनी नहीं लग रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है मुझे, इफ आई यू नो. अब जैसे वो कितनी अच्छी उन्होंने बात करी थी कि इतने पैसे आए हैं मैं इतने दूंगा, तुम इतने देना, तुम इतने देना, और वो कॉन्वर्सेशन कितनी अच्छी थी जो चल रही थी कि नहीं आप क्यों हमेशा सबसे ज्यादा देंगे, और वो थोड़ा सा उस पर बैकग्राउंड देके ना, ऐसी कॉन्वर्सेशन हर एपिसोड में होनी चाहिए टू ब्रेक ऑल दिस क्रेजी, आई थिंक ये अंडर प्रेशर हमें हंसाने की जब कोशिश या हो रही मुझे होती मुझे लग है. रहा है तुमने इतना सही बोला, जबरदस्ती हंसाने की कोशिश हो रही है, तो मुझे ड्रामा क्यूटनेस की वजह से ऑफ आयजा एंड यू नो दानिश तैमूर का कैरेक्टर और वो जो माँ के साथ है उसकी वजह से मजे का लग रहा है कि अच्छा चलो अभी आएगी तो कैसे होगा, लेकिन मुझे फनी नहीं लग रहा है ड्रामा, आई एम नॉट वॉचिंग इट बिकॉज आई एम गोना लाफ और यू नो स्माइल, जैसे मैं जब सुनो चंदा देखने बैठती थी तो मुझे पता था कि मैं हंस रही होंगी, मैं इंजॉय इन उस सेंस में करूंगी, आई एम वॉचिंग इट बिकॉज आई लाइक द ट्रैक एंड आई वॉन्ट टू सी कि दोनों का क्या होगा और आगे कैसे कैसे चीजें होंगी, बट नन ऑफ द थिंग्स आई एम फाइंडिंग फनी, सो दैट इज वो जो शादी करके आ गए थे वो बहुत बड़ी बात ही करके आ गए उनमें, एंड और वी डू वांट टू लाफ बट वी आल्सो वांट टू सी अ पॉइंट टू द होल प्लॉट, तो एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी बाप बेटे में या कजन्स में हो जाती आपस में कि भाई तुमने क्यों किया, वो कुछ कहता वो कुछ जवाब देता ब्ला ब्ला ब्ला, कहीं कुछ होना चाहिए था फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन मेक इट फनी एज वेल, लेकिन हुआ था लेकिन तुम सही कह रही हो, क्योंकि उसको बड़े ताया ने और सारिन दोनों ने उसको बोला, वो उन्होंने किया है, लेकिन बात वो ये कि उस बाकी उसकी चीज को जैसे एज यू सेइंग इतनी बड़ी बात होगी कि आपके एक बच्चे ने जो अभी मतलब ही इज यंग उसने निकाह कर लिया बगैर बताए एंड आप लोग आराम से, कोई कोई आपने जाके नहीं देखा कौन लड़की क्या, कोई रिएक्शन नहीं, इट्स जस्ट लाइक किसी ने उसने अच्छा वो कहीं गया था वापस आया नहीं देर से आया था अच्छा चलो ठीक है यू नो, सो वो जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो उस इश्यू को नहीं दी है, तो शायद हम भी फिर उस चीज को उस तरीके से वी आर हम उन कैरेक्टर्स को भी शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं इसी हम वजह से. डिसमिस कर रहे हैं, यू आर सो राइट, वी आर आल्सो डिसमिसिंग इट. या आई लव दैट उन्होंने जो उसे लिखवाया ऐसे कि तुम बैठ के उसके ऊपर एक पूरा ऐसे लिखो मुझे बताओ कि वो कैसी, अब तुम्हारा दूसरा टेस्ट ये होगा कि हम आ रहे हैं शाम को, सो आई वाज एंजॉयिंग इट, वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि भाई प्रूव दैट यू लव हर तो तुम लिखो उसके ऊपर, मुझे अच्छा लगा. सो दैट्स ऑल, कुछ चीजें अच्छी हैं ड्रामों की, कुछ चीजें जरा मुश्किल हो रही हैं हमें हजम करने के लिए, तो हमने उस पे कमेंट किया, आई होप नेक्स्ट ईयर विल बी बेटर एंड आई होप दीस, अभी भी बहुत दिन रहते हैं 25 दिन रहते हैं, तो आई होप ड्रामास विल पिक अप एंड आई होप दैट लास्ट रिव्यू हम करें तो बोले यार बहुत जबरदस्त हुआ, शुरू में नहीं लग रहा था लेकिन एक्चुअली हम लोग गलत थे और ये हो गया और वो हो गया, आई रियली विश दैट यू नो. I hope so too. Yeah. या आप लोग अपने कॉमेंट्स में जरूर बताइए, शाजी आपने कोई और बात करनी है? I'm just loving the messages जो चांद तारा के थ्रू ये लोग दे रहे हैं, वो बदतमीजियां उसने जो ओवर हेयर की थी कॉन्वर्सेशन, फिर वो सॉरी भी करने के लिए आए, उसने भी डांटा उसको, तो बहुत अच्छी बातें हो रही थी, और कुछ बात नहीं करनी, नहीं बस थक गए हैं ड्रामे देखते. ठीक है जी, ओके जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि विच ड्रामा इज ऑन योर टॉप लिस्ट, आपकी लिस्ट की टॉपिक कौन सा और कौन से ड्रामे आप देख रहे हो, कौन से आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.